Hi, this is Sana Khan and you're watching Exposed India. नमस्कार, एक्सपोज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज हम अपने दर्शकों से गंभीर विषय पर बात करना चाहते हैं। दरअसल वो विषय है फिल्मी जगत का। क्या फिल्मी जगत को यह अधिकार है कि वो इतिहास के पन्नों के साथ छेड़छाड़ कर दे? फिल्में हमारे मनोरंजन के लिए होती हैं, हमें कभी कभी प्रेरणा भी देती हैं और साथ ही कभी कभी फिल्में इतिहास के पन्नों को भी हमारे सामने रखती हैं। लेकिन जरा सोचिए कि अगर इतिहास के पन्नों के साथ, यानी कि जो तथ्य छिपे हुए हैं इतिहास में, उनके साथ छेड़छाड़ हो जाए तो क्या हमारी आने वाली पीढ़ी तक इतिहास की सही जानकारी पहुंच सकेगी? शायद नहीं। और कुछ ऐसा ही हुआ, जब इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई तो लोगों का गुस्सा भड़क गया और उसके बाद फिल्म निर्देशक भंसाली के साथ जो कुछ हुआ सबने देखा। क्या बदल गया है सिनेमा? क्या बदल गए हैं रुपहले पर्दे के आयाम? महज टीआरपी के लिए क्यों हो रही है इतिहास के साथ छेड़छाड़? ज्यादा पैसा कमाने का लालच किस हद तक एक शख्स को गिरा सकता है, इसका एक उदाहरण देखने को मिला संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती की शूटिंग के दौरान। इतिहास से छेड़छाड़ और रानी पद्मावती को लेकर फिल्माए जा रहे एक दृश्य पर राजपूत समाज ने पूरी तरह से विरोध किया। यही नहीं, पद्मावती के किरदार की गलत छवि पेश करने को लेकर करणी सेना ने संजय लीला भंसाली की पूरी तरह से पिटाई कर दी। अलाउद्दीन खिलजी के साथ रानी पद्मावती के बीच आपत्तिजनक सीन को लेकर राजपूत समाज बुरी तरह से भड़क गया, जिसके बाद भंसाली प्रोडक्शन को एक प्रेस वार्ता करनी पड़ी और आपत्तिजनक सीन को हटाने के लिए पीछे हटना पड़ा। करणी सेना का कहना है कि इतिहास की पुस्तकों में कहीं भी इस तरह के किसी सपने का जिक्र नहीं है। आपको बता दें कि करणी सेना का दावा है कि रानी पद्मावती राजपूत थीं और उनकी छवि को फिल्म में गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। फिलहाल फिल्मों में इतिहास के साथ छेड़छाड़ कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी इतिहास को अपने तरीके से पेश करने के माहिर रहे हैं कई डायरेक्टर। फिल्म को हिट कराने की अंधी दौड़ में एक नहीं बल्कि कई बार इतिहास के तथ्यों को ताक पर रखा जा चुका है, लेकिन तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का मतलब साफ है कि नई पीढ़ी इन्हीं तथ्यों को आत्मसात कर लेगी और सच उससे कोसों दूर होता चला जाएगा। ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ करना फिल्म निर्माताओं की जैसे आदत सी बन गई है। लगभग सभी ऐतिहासिक फिल्मों को बेहतर बनाने के लिए या कुछ नया करने के लिए इतिहास के साथ ही अक्सर छेड़छाड़ कर दी जाती है। क्या इन फिल्मों से हमारी आने वाली पीढ़ी को अपने पुरखों के बारे में या इतिहास की सही जानकारी हो सकेगी? कब तक इसी तरह से फिल्मों में इतिहास के साथ छेड़छाड़ होती रहेगी? ये एक बड़ा सवाल है। ऐतिहासिक तथ्यों से खिलवाड़ करने में फिल्मों और धारावाहिकों में जैसे होड़ लगी हुई है। निगरानी करने वाली संस्थाएं भी खामोश तमाशबीन बनी रहती हैं। मनोरंजन के साथ इतिहास को कितना तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सकता है, ये भी कई बार देखा जा चुका है। इसका समाज के ऊपर कितना और कैसा प्रभाव पड़ता है? केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड या सेंसर बोर्ड जितनी मशक्कत राजनीतिक फिल्मों में कट लगाने के लिए करता है, उसका 10% भी अगर ऐतिहासिक फिल्मों के साथ होने वाली छेड़छाड़ के लिए किया जाए तो आज हमारा समाज अपने इतिहास के प्रति थोड़ा बहुत जागरूक जरूर हो गया होता। फिल्मों में छेड़छाड़ की शुरुआत आज से नहीं है बल्कि 1941 से हुई। आखिर वो कौन सी फिल्में हैं जिनके साथ छेड़छाड़ हुई, आपको बता दें। साल 1941 में फिल्म सिकंदर में, साल 1960 में फिल्म मुगले आजम आई जिसके इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई और अनारकली को पेश किया गया। साल 1966 में फिल्म आम्रपाली के साथ भी छेड़छाड़ की गई। फिल्म आम्रपाली के किरदार के साथ भी कुछ हद तक छेड़छाड़ की गई। साल 2001 में फिल्म अशोका आई। साल 2005 में फिल्म मंगल पांडे आई और साल 2008 में जोधा अकबर। ये वो फिल्में हैं जिसमें इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर फिल्म में मनोरंजक तत्व डाले गए।
धीरे धीरे फिल्म निर्माताओं को ये बात समझ में आ गई कि इतिहास के साथ जितना मर्जी छेड़छाड़ कर ली जाए कोई कुछ नहीं बोलेगा। इतिहास की है जो फिल्मकारों की कहानी की मांग को बेहतर ढंग से पूरा कर रहा है। समाज का आईना कहे जाने वाली फिल्मों में इतिहास से छेड़छाड़ करना मशहूर निर्देशक संजय लीला भंसाली को महंगा पड़ गया और फिल्म पद्मावती में एक सीन को अपने तरीके से शूट करने पर राजपूत सेना भड़क गई और भंसाली पर हमला बोल दिया। लेकिन क्या इस वाकये के बाद फिल्मी जगत में इतिहास से छेड़छाड़ होना बंद हो जाएगी? क्या लोग आने वाले समय में अपने इतिहास को ठीक तरीके से फिल्मों के जरिए समझ पाएंगे? कैसे आने वाली पीढ़ी अपने पुरखों के बारे में जान सकेगी? ये एक बड़ा सवाल है। चेतना का चिंतन, संवेदना का मनन, मौलिकता का हनन, शब्दाक्षरों का अंकन, सभ्यता हुई कैद और जमाना हुआ मुस्तैद। ये पंक्तियां मैं आपको केवल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारा इतिहास, हमारी सभ्यता कहीं कैद होकर रह गई है। हमारी आने वाली पीढ़ी शायद ठीक से जान भी ना पाए कि आखिर उसका इतिहास क्या है। भारतीय वीरांगनाओं की ना जाने कितनी ही कहानियां इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं और ऐसी ही एक कहानी है रानी पद्मावती की। भारतीय इतिहास में भारतीय वीरांगनाओं की शहादत के न जाने कितने पन्ने दर्ज हैं। सुंदरता ही नहीं बल्कि संस्कारों की मूर्ति के रूप में पूरे विश्व में जानी जाती हैं भारतीय नारियां। भारतीय महिलाओं की वीरता और त्याग के ऐसे न जाने कितने किस्से इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, जो न सिर्फ तत्कालीन समय में बल्कि वर्तमान में भी पूरे समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं। उन्हीं में से एक हैं रानी पद्मावती, जिनकी कहानी सुनकर आज भी राजपूत गर्व करते हैं और समाज उनसे प्रेरणा लेता है। त्याग और बलिदान की मूर्ति रानी पद्मावती एक बार फिर चर्चा में है। हर कोई उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक है कि इतिहास के पन्नों में समाहित रानी पद्मावती आधुनिक समाज में अचानक सुर्खियों में आ चुकी हैं। आखिर क्यों? आखिर कौन है पद्मावती? क्या है उनका इतिहास और क्यों करते हैं राजपूत उन पर इतना गर्व? रानी पद्मावती को 16,000 महिलाओं के साथ किए गए जौहर के लिए जाना जाता है। मध्य युग में जौहर एक ऐसी प्रथा थी जिसमें राजपूत राजाओं के युद्ध में वीरगति को प्राप्त होने के बाद उनकी रानियां खुद को दुश्मन की दासिता स्वीकार करने की बजाय आग में जलाना पसंद करती थी। आइए जानते हैं रानी पद्मावती के बारे में। इतिहास के मुताबिक रानी पद्मावती खूबसूरती की एक अद्भुत मिसाल थी। पद्मावती के पिता राजा गंधर्व सेन ने पद्मावती का स्वयंवर रखा, जिसमें तमाम हिंदू और राजपूत राजाओं को बुलाया गया। स्वयंवर में चित्तौड़ के राजा रावण रतन सिंह और राजा मलखान सिंह के बीच कड़ा मुकाबला हुआ, जिसमें मलखान सिंह को पराजय का सामना करना पड़ा। इतिहासकारों के मुताबिक राजा रावण रतन सिंह पहले से ही विवाहित थे, लेकिन वो सबसे ज्यादा प्रेम रानी पद्मावती को ही करते थे। उनके दरबार में राघव चेतन नाम का एक संगीतकार भी था, जिसे वो बेहद पसंद करते थे। लेकिन जब राजा रतन को संगीतकार चेतन के जादू टोना करने की बात का पता चला, तो उन्होंने चेतन का मुंह काला करके अपने राज से बाहर कर दिया। संगीतकार राघव चेतन ने राजा रतन से बदला लेने की ठानी और वो दिल्ली की सल्तनत की ओर कूच कर गया। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सामने रानी पद्मावती के सौंदर्य का बखान किया। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। रानी पद्मावती की एक झलक पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी मेहमान बनकर चित्तौड़ पहुंचा और राजा रतन सिंह से पद्मावती से मिलने की इच्छा जाहिर की, लेकिन पद्मावती ने मिलने से इनकार कर दिया। बाद में रानी ने शर्त रखी कि सुल्तान सामने से देखने की बजाय उन्हें आईने में देख सकते हैं। वो अकेले नहीं बल्कि 100 दासियों के साथ वहां पहुंचेंगी। ऐसा हुआ भी, लेकिन पद्मावती को देखने के बाद अलाउद्दीन के मन में उन्हें पाने की इच्छा जाग उठी और उसने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया।
इस युद्ध में राजा रावल रतन वीर गति को प्राप्त हो गए। हार करीब देखते हुए रानी पद्मावती ने दुश्मनों के हाथों अपमान सहने और खुद को उनके हवाले करने की बजाय खुद का जौहर करना ही बेहतर समझा और 16,000 महिलाओं के साथ रानी पद्मावती ने जौहर कर लिया। तब से आज तक राजपूताना रानी पद्मावती पर कर्म करते हैं और महिलाएं उनसे प्रेरणा लेती हैं। तो फिल्म निर्देशकों को यह समझना होगा कि अगर वो इतिहास को अपने तरीके से मोड़ कर पेश करते हैं तो सबसे पहले चीज कि उसको इतना भी ना तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए कि वो अपनी सच्चाई से कोसों दूर हो जाए, क्योंकि इतिहास के पन्नों में सिर्फ इतिहास दर्ज नहीं होता है, उसमें दर्ज होता है एक सभ्यता, एक संस्कृति और संस्कारों का वजूद। देखते रहिए एक्सपोज इंडिया। हाय गाइस, दिस इज आलिया भट्ट, यू आर वाचिंग एक्सपोज इंडिया, कीप वाचिंग।